मनी का चालान किस तरह से बनाते हैं और कैसे सबमिट करते हैं उस बारे में इस वीडियो में बताऊंगा आपको। सबसे पहले गूगल पे ई ग्रास हरियाणा सर्च करना है, जो भी आपका स्टेट है वो ई ग्रास करके अपना स्टेट लिखें। सर्च करने के बाद पहले वाले लिंक के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ पे आ जाइए लॉग इन टू योर अकाउंट। तो यहाँ पे आपके स्कूल ऑफिस का जो भी अकाउंट है यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल दें। ये बेसिकली जो आपका ई सैलरी का ई बिलिंग का जो आईडी पासवर्ड रहता है वही पासवर्ड यहाँ पे लगाते हैं। तो उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इस तरह का पेज है आपके पास ओपन होगा। तो अभी जो गवर्नमेंट मनी है जैसे बच्चों की फीस है तो उसको कैसे सबमिट करते हैं उस बारे में बताऊंगा मैं। तो यहाँ से आप बजट निकाल के देख सकते हैं आपने कितने बार जमा करवाए हैं। जैसे ये देखिए स्टेटस यहाँ पे सक्सेसफुल दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं अभी 30 रुपीज़ का एक चालान जनरेट करके दिखाता हूँ, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरीडवा। यहाँ पे करने के बाद हमें कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, जो हमारे पास यहाँ पे कंटिन्यू है कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जैसे ही हमने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये कोड ट्यूशन एंड अदर फीस के लिए क्रिएट किया गया है और बजट हेड है जो इसका यहाँ पे ये शो हो रहा है। देखिए ये बजट हेड, इस हेड में ये पैसा जाएगा, तो इसमें फीस वगैरह जाती है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ कंटिन्यू, ये कंटिन्यू का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। देखिए उसके बाद ये पेज मेरे पास यहाँ ओपन हो चुका है। यहाँ पे डाटा ऑलरेडी फिल रहेगा, जब आपने यूजर क्रिएट किया है तो ऑलरेडी होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से 19-20 की फीस रह गई थी वो जमा करवानी है। तो यहाँ पे करने के बाद हमने मंथली पे क्लिक किया और यहाँ पे हमें क्वार्टरली कर देता हूं, जनवरी टू मार्च, और यहाँ पे हमें फीस सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसमें लिखा है ना, तो यहाँ पे करेंगे हम इसको फीस, फीस पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें अमाउंट फिल करनी है। जैसे अमाउंट फिल करेंगे यहाँ पे तो यहाँ 30 रुपीज आ जाएगा, कमीशन 0 करें, और उसके बाद हमें नीचे जाना है ई बैंकिंग, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करनी है। तो ओके कर दिया मैंने यहाँ पे, आप चालान क्रिएट करके भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद। आप पिछले साल की भी फीस जमा करा सकते हैं और करंट की भी करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट किया था, आप भी करके उस तरह से करा सकते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद आपके पास कई सारे ऑप्शन आते हैं इसमें। दोस्तों ये प्रोसेस होने के बाद चालान आपके पास नेट बैंकिंग, भीम ऐप और पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको अपना कार्ड नंबर, अगर नेट बैंकिंग कर रहे हैं तो आईडी पासवर्ड डाल के पेमेंट को कर दें, तो आपकी पेमेंट सबमिट हो जाएगी, उसके बाद प्रिंट ले लें। तो इस तरह से आप ई ग्रास में ऑनलाइन गवर्नमेंट मनी का चालान सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू।